नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्ट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 करंट अफेयर्स 26 जून 2021 के बारे में। डेली करंट अफेयर्स का डोज जो कि टॉप 5 क्वेश्चंस को हम लाते हैं डेली करंट अफेयर्स के हर दिन को। तो आज भी टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके मैं चलाया हूं, तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज का टॉपिक है। पहला जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, विथ व्हिच कंट्री इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड पैसेज एक्साइज। याद रखिए, एक्साइज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैसेज एक्साइज इन इंडियन ओशियन जो कि 23 जून 2021 को हुआ था। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने 23 जून 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है यूएसए। पैसेज एक्साइज किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ हुआ है। अगर बात करें यूएसए की, तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। ये यूएसए का 46 प्रेसिडेंट है, याद करके जाइए। और वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो है कमला हैरिस। ये 49th वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए का। और यूएसए का अगर करेंसी की बात करें तो हम सभी जानते हैं यूएसए का करेंसी कौन है? डॉलर है, ठीक है, याद करके जाइए। कैपिटल करेंसी और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम करवा दिया है, ये स्ट्रेटेजिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसी चीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल। Which of the following country host 9th Asian Ministerial Energy Roundtable, जिसको शॉर्ट में AMER 9 कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्रिराष्ट्रीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल कहते हैं, के मेजबानी करेगा? मतलब होस्ट कंट्री कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है इंडिया। इंडिया के बारे में हम सभी जानते हैं, इंडिया इस जो ये 9th कितना है, 9वां एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल का बैठक का मेजबानी करेगा इंडिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। इट्स अ वंडरफुल लाइफ इज अ बुक ऑथर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, मतलब इट्स अ वंडरफुल लाइफ निम्नलिखित किसने द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मतलब बुक्स एंड ऑथर्स में से पूछा जा गया एक क्वेश्चन। देखिए, वो बुक का पुस्तक का कवर भी मैंने दे दिया है। इनका जो ऑथर है वो बहुत ही फेमस ऑथर है, आप जानते ही होंगे, रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का मैंने पिक्चर भी आपको दिया है, पहचानने में सुविधा होगी, याद रखने में सुविधा होगी। तो कौन से बुक का बात कर रहे हैं? इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिटरेट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मतलब 26 जून आज ही के दिन मनाया जाता है, याद करके जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब हर किसी दिन की अगर बात करें तो उसके साथ थीम भी आपको करना पड़ेगा। इसका जो थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ। क्या है? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ इज द थीम है इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप्ड इट्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विथ न्यू यूजर इंटरफेस एंड इम्प्रूवमेंट टू परफॉर्मेंस, व्हिच इज द लेटेस्ट वर्जन। माइक्रोसॉफ्ट ने नए यूजर इंटरफेस और प्रदर्शन के सुधार के साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना नवीनतम संस्करण विकसित किया है। नवीनतम संस्करण कौन सा है? विंडोज 12, 10A, एक्स प्रो या फिर 11। आप हाल ही में जानते ही होंगे विंडोज 11 का हाल ही में नया संस्करण आया है विंडोज का। विंडोज का कंपनी कौन चलाता है? माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का हाल ही में चेयरमैन पद पे कौन है? सत्य नंदेला, याद करके जाइए। माइक्रोसॉफ्ट का अगर चेयरमैन सीईओ की बात करें तो सत्य नंदेला, तो याद करके जाइए। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ऐसे कोई क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा ऐसे स्टैटिक जीके के बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के क्वेश्चन आपका डे के बारे में। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके डालना पड़ेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति रूप में किससे नियुक्त किया है, मतलब वाइस चांसलर के रूप में कौन आया है? ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से जो भी आपको सटीक लगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, फिर बी या फिर सी या फिर डी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। पिछले दिन जो पूछा गया था क्वेश्चंस उसका राइट आंसर होगा रानी रामपाल। रानी रामपाल ने
इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया है ओलंपिक 2022 जो टोक्यो में होने वाला था, इसमें ये क्वेश्चन मैंने पिछले दिन बताया था, ये आज का आंसर दे दिया। ये जो क्वेश्चन मैंने क्विज ऑफ द डे दिया है इसका आंसर अगले दिन का करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिखाई देते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।